हेलो डियर फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का पेपर है आज का। इसमें क्वेश्चन नंबर एक का है, वैश्वीकरण को प्रभाषित करें पढ़ते और आर पार सीमा संपर्क के महत्वपूर्ण लाभ और हानि पर चर्चा की। देखिए ये पेपर आपका यहाँ से है, संरचनात्मक समायोजन नीतियों का प्रभाव मुख्यतः दो आर्थिक संगठनों में हुआ है। यहाँ से आप कीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये देखिए ग्लोबलाइजेशन का पेपर आज का है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का। वैश्वीकरण का कीजिएगा आप, ये देखिए मैं धीरे धीरे स्किप करता हूँ। इसको परिभाषित करना है, ये देखिए इस कार्यक्रम के मुख्य तीन तत्व भी है, ये भी लिखना है आपको। ये देखिए पॉइंट में लिखिएगा फ्रेंड, जिससे कि सही नंबर मिले आपको और अच्छा लगे। देखिए आप लिख सकते हैं, इसके बढ़ते आर पार के लाभ हानि इसी में दिया गया है, इस हिसाब देख सकते लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अपने हिसाब से अपना पॉइंट बना के लिखिए, लाभ और हानि इसमें क्या कर रहा है आपका। देखिए बिल्कुल स्लो स्लो में करता हूँ, आप लिख जाइएगा, कोई इससे दिक्कत ना हो आपको। यही चीज़ है, देखिए ये वैश्वीकरण को प्रभाषित करने के लिए बोल रहा है, आप कर सकते हैं यहाँ से। देखिए मैं बताता हूँ, पेज नंबर एक से लेके पेज नंबर दो तक का, दो नहीं आप पेज नंबर आपका है तीन तक का आप कर लीजिएगा, पेज नंबर तीन तक का पूरा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।